अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपके सामने अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। पाकिस्तान स्टेट बैंक के अंदर जो है वो जॉब्स आई हुई हैं, तो उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अफजल, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। लास्ट डेट क्या है, कैसे इसमें अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया, आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी चलते हैं जी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन डिपार्टमेंट आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स हैं। पोजीशंस की बात करें तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बंदा उनको चाहिए, आईटी ऑपरेशन इंजीनियर चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए। तो तीन तरह की पोस्टें उनको चाहिए, आईटी की, डाटाबेस की, नेटवर्क सिक्योरिटी की और आईटी ऑपरेशंस की। एलिजिबल क्राइटेरिया जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मेंशन है। अभी चलते हैं उस पर, देख चेक करते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो क्राइटेरिया जो मीट कर रहे हैं वो सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन का लिंक जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 15 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है, दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख ये है। अच्छा, और ये इसके अंदर जो है वो जब आप ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे तो ये इसकी ऑनलाइन जो है वो ईमेल जो है डायरेक्टर रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर जो है इनकी जो बिल्डिंग कराची में है, हेड ऑफिस 10th फ्लोर SBM मेन बिल्डिंग कराची, वहाँ पर जो है वो उनको ये मिल जाएगी। और आपने जो मतलब कि ऑनलाइन जब जमा करवाना, ऑनलाइन जमा करवाने के बाद आपने इनको जो पोस्ट है हार्ड कॉपी में वो यहाँ पे कराची इस एड्रेस पे, जो मैंने अभी एड्रेस रिपीट किया, ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने भेजने और इनवेलप के टॉप राइट कॉर्नर पे आपने ऊपर लिखने, अगर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई करें, आईटी ऑपरेशन के लिए करें या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करें, 15 मई 2023 से पहले पहले आपकी दरख्वास्त वहाँ पहुँच जानी चाहिए। और उसके बाद पहुँचने वाली दरख्वास्त को जो है वो इंटरटेन नहीं करेंगे और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही बुलाएंगे। अच्छा, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनोरिटी कोटा भी इसके अंदर मौजूद है, और इसके अलावा ट्रांसजेंडर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो उनके लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टेट बैंक ने जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो ये स्टेट बैंक की जो है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अभी हमें जाना है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम उनकी ऑफिशियल जो प्रोवाइडेड लिंक है उसके ऊपर जाएंगे, और वो लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को वो लिंक जो है वो आसानी से मिल सके। सबसे पहले आपने इनकी ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके जब आपको अगर लिंक नहीं मिल रहा तो आपने सिंपल नीचे आना है, और यहाँ पर आ जाना है आपने साइड मैप के ऊपर। साइड मैप के ऊपर भी आके आप नीचे आ जाएंगे तो ये करियर्स आ गए, यहाँ पे आपने करियर्स पे आ जाना है। करियर्स पे आने के बाद आपको जॉब्स एंड करियर्स में आना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन डिपार्टमेंट ये आ गया। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट मेंशन है क्या क्या आपका क्राइटेरिया होगा, कैसे कैसे आप लोगों ने काम करना है, डाटाबेस वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईटी ऑपरेशन वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो हमने चेक कर लिया, लेकिन हमने अब इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है 1 मई को जो है वो यहाँ पे लिंक आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 से लेकर 15 मई तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो तब ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करिएगा, ताकि हर लेटेस्ट जॉब की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाइक को दुआ में याद रखें।